बुधवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 70 केंद्रों पर 8,820 व्यक्तियों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,249 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 571 लोग शामिल रहे। इस संबंध में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनके पांडे ने बताया कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 42 केंद्रों और 44 साल के ऊपर के लोगों के लिए 28 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें लोगों का टीकाकरण किया गया। एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए जीत का टीका अवश्य लगवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले रिंकी, राजू पांडे, नीरज गुप्ता तथा एडिशनल CMO डॉक्टर NK पांडे ने कहा। गया जोशी रजिस्ट्रेशन कब कराया था? हमने कल कराया था। वैक्सीनेशन हो गया? हाँ। किसी तरह की परेशानी कोई दिक्कत नहीं? सरकार जो शुरू वैक्सीनेशन करा रही है, हाँ, सरकार के बारे में क्या है? ठीक है। इनकी सुमेश सागर कब रजिस्ट्रेशन कराया था? कल कराए थे। वैक्सीनेशन हो गया जी? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। राजू पांडे, चौरी चौरा से। सरकार ने निःशुल्क वैक्सीनेशन करा दिया, क्या कहेंगे सरकार के? धन्यवाद है सरकार को जो इन लोगों का ख्याल रख रही है और समय से वैक्सीनेशन हो जा रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। लोगों का जान बचेगा। वैक्सीनेशन कराने में किस प्रकार की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास में अच्छा व्यवस्था है। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से कहना चाहेंगे कि आके समय से अपना रजिस्ट्रेशन करा के सुई वैक्सीनेशन लगाएं, सुई करावें और लोगों को और सारे लोगों का व्यवस्था ठीक करें। किसी को डर ना हो, किसी को भय ना हो, सब सुरक्षित रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें। मौला लाला कपूर। क्या नाम है? नीरज कुमार गुप्ता। वैक्सीनेशन हो गया? वैक्सीनेशन हाँ जी, हाँ जी। किसी तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सरकार निःशुल्क वैक्सीनेशन करा रही है, सरकार के लिए क्या कहेंगे? जो कुछ कर रही है अच्छा ही कर रही है, जनता के हित में कर रही है। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लगाएं, लोग वैक्सीन जरूर लगाएं। आज कितने केंद्रों पे वैक्सीनेशन करेंगे? आज कुल 70 जगहों पर हमारा टीकाकरण कार्य हुआ है। इसमें 42 हमारे 18 प्लस के लिए हैं और बाकी 45 प्लस के लिए हैं।